होगा। दोस्तों मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे लिए राउंड में क्या है। मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, तुम्हें जीवित कॉकरोच का एक पूरा झुंड मिलेगा। माफ करो लेकिन तुम्हें फिर भी ड्रॉ करना होगा, और यह तुम्हें छोटी उंगलियों से करना होगा। इसकी मदद से चित्र बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यह अजीब है लेकिन तुम्हें यह पसंद आएगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे पास केवल एक मिनट है, समय शुरू हो चुका है। मुझे कॉकरोच बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने होंगे। मुझे लगता है मैं इसे बहुत खूबसूरती से कर सकती हूँ। आशा है कि ऐसा ही हो, वरना मेरे पास कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी पेंसिल टूट गई, अब मैं किस चीज से ड्रॉ करूंगी? अरे हाँ, मेरे पास एक शार्पनर है, मुझे उम्मीद है यह मेरी मदद करेगी। कितना बढ़िया है, अब मैं फिर से ड्रॉ कर सकती हूँ। शार्पनर के साथ क्या हो रहा है? अब मैं पेंसिल के छिलके से ढक गई हूँ, पर मेरी यह पेंसिल तेज हो गई है। अब केवल कागज से सभी छिलके को उड़ाने होंगे ताकि जल्द से जल्द ड्राइंग शुरू हो सके। तुम क्या कर रही हो? अब मैं गंदगी में ढक गई हूँ। चिंता मत करो, मैं इनसे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। बेशक उसके बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। वह क्या है, पेपर कहाँ से आया? जूली, क्या तुम फेंकना बंद कर सकती हो? इसे हटा। यह कैसा मजाक है जूली? क्या तुम नहीं समझती कि तुम मुझे चित्र बनाने से रोक रही हो? तुम देखो, मैं हर समय विचलित नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सारा कचरा साफ कर लूंगी। अरे ड्राइंग कहाँ है? चुनौती कहाँ जल्दी आ रहा है? तुम बिल्कुल सही कर रही हो, चुनौती खत्म हो गई है। यह दिखाने का समय कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। अरे नहीं, मेरी ड्राइंग चोरी हो गई। बेटा, तुम और बेहतर कर सकती थी, बहुत बुरा। मिला, तुम्हारा काम कहाँ है? यह नहीं चलेगा, तुम निश्चित रूप से नहीं जीतोगी। जूली, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया, मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी है। रुको लड़कियों, लड़ना बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? हालांकि मैं तुम्हारी समस्याओं को समझना नहीं चाहता, मेरे पास अपना काफी है। मिला, तुम्हें कॉकरोच मिलते हैं, यही नियम है। कितना भयानक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वे रेंग रहे हैं, ये देखो। मैंने एक साथ इतने सारे तिलचट्टे कभी नहीं देखे। देखो नीचे कुछ है, ऐसा लगता है कुछ बहुत ही शानदार है। वाह, ये अंगूठी है असली हीरे के साथ। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हाँ, एक असली सुंदरता। लड़कियों, इस बार तुम्हें और भी असामान्य पुरस्कार मिलेगा। क्या तुम्हें सी फूड पसंद है? क्योंकि तुम में से एक को यह घिनौना लेकिन बहुत प्यारा ऑक्टोपस मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम कांच पर इन रंगों से ड्रॉ करोगे, मुझे आशा है तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जब मैं छोटी थी, मैं अक्सर ऐसे रंगों से रंगती थी, इसलिए मुझे बस जीतना है। अरे नहीं, ये सिर्फ एक दाग जैसा दिख रहा है, हमें इसे मिटाना होगा। हाँ, तुम इस तरह के काम को कैसे खराब कर सकती हो? अब मैं कुछ बहुत अच्छा बनाने जा रही हूँ। हो सकता है कि हमारा पुरस्कार एक बहुत ही डरावना ऑक्टोपस हो, लेकिन इसे प्यारा और बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत प्यारा है, देखो कितना सुंदर। मैं मिला से पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अलावा ऑक्टोपस जितना बेहतर ड्रॉ किया जाएगा, असली वाला जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी। चलो सुंदर लहरें बनाती हूँ। हाँ, इस तरह से। अरे नहीं, अब मेरे पास नीला रंग नहीं है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे उधार लेती हूँ तो मिला को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी? आओ देखे कि जब पेंट की यह बोतल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हें यह कैसा लगता है। यह एक प्रैंक है। ओ नहीं, यह क्या है? मैं इसे कैसे हटाऊं? सबसे पहले मुझे ड्राइंग खत्म करने की जरूरत है। वीटा, तुमने क्या ड्रॉ किया है? यह कुछ बहुत ही डरावना लगता है, कितना बुरा है। ऐसा बात करना बहुत ही खराब है, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। टूटे हुए कांच के साथ तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहोगे। नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑक्टोपस नहीं चाहिए। हालांकि मजाक के लिए मैंने जिस ग्लू का इस्तेमाल किया वो मेरी मदद कर सकता है। यह अच्छा आइडिया है,
मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त समय होगा। नहीं 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 नहीं, लड़कियों समय समाप्त हो रहा है, चित्र दिखाने का समय आ गया है। जूली तुम एक स्मार्ट लड़की हो, यह बहुत अच्छा निकला। मीटा लेकिन तुम्हारे कैनवास पर बस कुछ डरावनी है, दुर्भाग्य से यह नहीं चलेगा। मीला मुझे तुमसे भी और उम्मीद थी, तुमने कैनवास को तोड़ा कैसे, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है यह सही होगा यदि चुनौती के नियमों की परवाह नहीं करने वाले दोनों प्रतिभागियों को ऑक्टोपस मिल जाए। वीटा और मीला, ऑक्टोपस तुम्हारा है। ओह चलो खा लो, और मैं इसे देखूंगी और हंसूंगी। ओह चलो खाते हैं। ये बहुत ही घिनौना है, मुझे नहीं लगा कि इतना बुरा होगा। ओह नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती, बहुत डरावना है। ये वास्तव में घिनौना है। जूली तुम क्यों हंस रही हो, मैं किसी को मुझ पर हंसने नहीं दूंगी। बेटा मेरा सुझाव है कि तुम जूली को दिखाओ कि उसे हंसना नहीं चाहिए था, मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। जूली यह पकड़ो, ये तुमने क्या किया, कितना घिनौना है। अब मेरे पास बालों की जगह टेंटिकल्स हैं, मैं इस बदबू को पानी से भी नहीं हटा सकती, मैं अब कैसे रहूंगी। तुम कितनी क्रूर हो। इस चुनौती का तीसरा दौर क्या होगा, इस बार तुम पुरस्कार के साथ भाग्यशाली हो, देखो कि तुम में से एक को कितना प्यारा सा कुत्ता मिलेगा, और तुम्हें फिर से कुछ बहुत ही असामान्य बनाना होगा। इस प्यारे छोटे कुत्ते की तरह दिखने के लिए खुद को तैयार करो, इसके लिए तुम्हारे पास फिर से एक मिनट है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। मैं हार नहीं सकती, मैं वास्तव में कुत्ते से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ, तो हमें जल्दी करने की जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा प्यारा दोस्त हो। मैं कुत्ते की तरह मेकअप किया करती थी, मुझे नहीं पता था कि यह हुनर मेरे काम आ सकता है। लड़कियों का मेकअप बहुत अच्छा है, मुझे इसे ठीक करना होगा। तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। तो ऐसी बात है, फिर यह लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चित्र बनाने से रोकने से क्या होता है। अच्छा तब तुम देखो, अब मैं तुम्हारा मेकअप धोने जा रही हूँ। तुम इतनी क्रूर क्यों हो। तुम क्या हो, डरावनी, अब तुम कुत्तों की तरह नहीं भूतों की तरह दिख रही हो, बस मुझे मत छूना। समय समाप्त हुआ, यह तय करने का समय कि इस कुत्ते का मालिक कौन बनेगा। बेटा यह भयानक है। बेबी तुम इसे नहीं देख सकती। मीला तुम्हारा बेहतर नहीं है, तुम्हारा मेकअप बेशक इतना डरावना नहीं है, लेकिन तुम अभी भी एक प्यारे कुत्ते की तरह नहीं दिख रही हो। जूली तुमने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल सही, तुम्हें एक नया दोस्त मिलता है। हुरे, देखो वो कितना सुंदर है और प्यारा। तुम वहाँ क्या देख रहे हो। मुझे किसी तरह प्रतिस्पर्धियों से लड़ना पड़ा, और ऐसा क्या है जिसमें इतनी बदबू आ रही है। ओ नहीं, प्यारे कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दिया, कितना गंदा है। तो हमें कुत्ता मिल गया और तुम्हें केवल उसका कचरा मिला है, न्याय की जीत हुई। लड़कियों इस दौर में एक शानदार पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देखो क्या शानदार हार है, और तुम में से एक इसे प्राप्त करेगा, और तुम इन बोतलों से ड्रॉ करोगी जिनमें सीक्विन के साथ रंगीन ग्लू होता है, मुझे लगता है यह अच्छा होगा। समय शुरू हो गया है, चलो। मुझे पक्का पता है कि मैं इस हार की मालिक बनूंगी, बाकी लड़कियां इस स्थिति में फिट नहीं बैठती हैं। मैं इस बेवकूफ ग्लू को कैसे निचोड़ूं? सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं इसे कैसे हटाऊं? शायद दूसरों पर पेंट करना संभव होगा। नहीं कुछ नहीं काम कर रहा है, क्या करें? जूली यह मजाक नहीं है, मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ। ओह मुझे मत छुओ, मैं चित्र बना रही हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हार कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन दूसरों को भी नहीं पता होना चाहिए। मेला नाराज मत होना, लेकिन तुम्हें इस ग्लू की शक्ति को खुद महसूस करना होगा। सब कुछ एकदम सही चल रहा है, बस लाल ग्लू की कुछ बूंदों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा, यह क्या है, बोतल हाथ में क्यों चिपकी हुई है। जूली क्या यह सब तुमने किया है। मैंने नहीं, यह वीटा ने किया है। अच्छा तो उसे भी पता चलना चाहिए कि ग्लू कितना अच्छा है, लेकिन हाथ पर नहीं चेहरे पर। यह लो। मुझे लगता है उसे बहुत अच्छा लगेगा। मदद करो, इस डरावने चीज को मुझसे दूर करो। ओह अब मेरा आधा चेहरा नहीं है,
मुझे तुरंत अपनी भौहों को उसकी जगह पर लगाना होगा। मेला, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। रुको, समय खत्म हुआ, मुझे दिखाओ कि तुमने हमारे लिए क्या ड्रॉ किया है। वीटा, तुम फिर से किस्मत से बाहर हो, ये एक भयानक काम है, बस नाराज मत हो। जूली, तुम बेहतर नहीं हो। लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ, तुम ड्रॉ करना जानती हो। मेला, यह अच्छा है कि तुम मुझे हमेशा खुश करती हो। मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार जाता है मेला को। बधाई हो। वाह, क्या खूबसूरती है, अब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनूंगी। जूली, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसे पहनने दूँ? बेशक तुम चाहती हो, लेकिन मैं इसे वैसे भी नहीं दूंगी। ओह, तुम झूठी हो, फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या किया, अब मैं राजकुमारी की तरह नहीं लग रही हूँ, कितनी खूबसूरत थी। लड़कियों, तुम्हें अपने दुखी चेहरों को देखना चाहिए था, कोई हार उन्हें ठीक नहीं करेगा। क्या हम लोग कहाँ है? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है, यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है, और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा ये पॉपिट, जो कोई भी एक मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा, और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्किटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्कीटल्स के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही, अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग है। Yes! मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है, अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है। वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बार्बी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ, अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? No. क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। What? यार, ये स्वीटल बहुत स्वादिष्ट था, और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से वह दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो, मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉपिट तुम्हें मिलता है। पर क्यों, ये हमारा पुरस्कार था, ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इसे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, नहीं उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है ठीक है, माफ करो जे, बार्बी को ये पसंद नहीं है। What? हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है, और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है, और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है, तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। ओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। ओके। और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है, और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मछली सच में बहुत खूबसूरत है।
अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया, सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या समय समाप्त हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। जेन तुम पहले दिखाओ। जेन तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई। एंडी देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या, पर मैंने ड्राइंग की थी सच्ची में। ये बार्बी का काम लगता है। बार्बी, तुम्हारा काम सामान्य है पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बार्बी, मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है? लेकिन मुझे मछली से नफरत है। परेशान मत हो, मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी यह बर्नर। तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। यह बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओ, समझ गया। मुझे माफ करना बार्बी। जेन तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन तुम कितनी प्रतिभाशाली हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है लेकिन शानदार है। एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ, बस बातें बहुत हो गई। अब ड्राइंग करने का समय है, समय निकल रहा है। वाह, मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है यह 3D पेन, बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया, पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाए। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा, सुंदर और तेज। देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी, तुमने मुझे हैरान कर दिया, पर ये मेरा नहीं है। बार्बी तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? ओ, मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना, मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा, क्राउन तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो।
ये क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओ हाँ जेन, ये क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करो? मुझे नहीं पता किसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी, यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको। सलाह के लिए धन्यवाद। ओके। देखो कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। ये कहाँ से उड़ रहा है? अच्छी, अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, सच कह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो, और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ओके। और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इसे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। और मैंने ओरिगैमी बनाया है ना अच्छा? एकदम ओरिजिनल, पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी। मेरी तरह? बिल्कुल सही। बार्बी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है, और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है, और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी? डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं, तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्राउन है। किसी सोने का नहीं, बल्कि प्यार से बनाया हुआ, और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। वाह, कितना सुंदर है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमारा चॉकलेट फाउंटेन है, क्या तुम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, तुम्हें अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखना होगा। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत। समय शुरू हो गया है, गुड लक। सबसे पहले हमें एक एयर ब्रश लेने की जरूरत है। यह उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। अब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। तुम अभी तक सोच ही रही हो, और हम काफी पहले से भी बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। देखते हैं मियाँ कैसा कर रही है। बेस तैयार है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ गड़बड़ है। आइडिया, मुझे पता है कि वास्तव में एक सुंदर चित्र कैसे बनाया जाता है, बस एक मार्कर का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या तुमने देखा मैंने कितने अच्छे से कैप को हटा दिया था? बहुत अच्छा आइडिया मियाँ, इस तरह से तो तुम मुझे हरा ही दोगी। यह क्या था, जेनिफर क्यों गिरी? मैं बस अपने मार्कर कैप को हटाना चाहती थी। खैर, मिया फिर मुझसे एक कदम आगे है, उसने सुंदर फाउंटेन बनाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक साधारण पंख मेरी मदद करेगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह, देखो मेरी ड्राइंग को क्या हो गया। वो पेंट में ढका हुआ है। जेनिफर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
केट, तुम किस पर हंस रही हो? ये बहुत मजेदार है। मजेदार? मुझे ऐसा नहीं लगता। मिया, तुमने मुझ पर पेंट क्यों छिड़का? यह वाकई मजेदार है। और अगर तुम्हारी ड्राइंग पर भी पेंट छिड़क दे तो और भी मजेदार होगा। जेनिफर, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए? ओह, ऐसा लगता है कि समय खत्म हो गया है। तुम बहुत लकी हो। तो चलो देखते हैं कि किसने क्या बनाया है। मिया ने मेरी ड्राइंग बर्बाद कर दी। मुझे पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। मुझे डर है कि मेरा काम भी सबसे अच्छा नहीं होगा। सब जेनिफर की वजह से है। लड़कियों, तुमने मुझे निराश कर दिया। यह अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। सच कहो तो यहाँ चुनाव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जेनिफर, तुम जीत गई। फाउंटेन तुम्हारा हुआ। वाह, कितना बड़ा है। मुझसे ईर्ष्या करो दोस्तों। मैं काफी समय से इस चॉकलेट फाउंटेन को ट्राई करना चाहती थी और अब मेरा सपना सच हो गया है। Oh my God. हमें बस बैठकर यह नहीं देखना चाहिए, उसे चॉकलेट चुरानी होगी। चलो इससे पहले कि वो खुद सब कुछ पी ले। एक शानदार विचार है मिया। स्वादिष्ट। अरे, मेरी सारी चॉकलेट कहाँ गई? हमने सोचा कि हमें भी तुमसे थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नया पुरस्कार प्रस्तुत करती हूँ। है ना ये बहुत प्यारा? अरे हाँ, बहुत प्यारी है। इधर आओ दोस्त। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। क्या हमें पूप ड्रॉ करना होगा? मिया, तुम बहुत स्मार्ट हो। शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। ओके। ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वास्तव में इसे ड्रॉ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आसान होगा। खैर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगता है कि मुंह से ड्राइंग करने से कहीं बेहतर है अपने पैरों से ड्रॉ करना। यह गंध कहाँ से आ रही है? छी मिया, बढ़िया है, मैंने पहले ही एक प्रतिद्वंदी का सफाया कर दिया है। अब ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। यह बकवास न मिलने की मेरी संभावना हर सेकंड बढ़ रही है। ओह, मिया तो ड्राइंग शुरू भी कर चुकी है और मैं अभी तक पेन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हुर्रे, आखिरकार हो गया। मैं जीत के बहुत करीब हूँ। चलो शुरू करती हूँ। ओह, मेरा मार्कर खो गया। वो कहाँ है? अब मैं कैसे ड्राइंग करूँगी? मुझे बिल्कुल वही रंग चाहिए। ठीक है, दूसरा शेड लेने की कोशिश करती हूँ। ओह, फिर से मैं नहीं कर पा रही। वाह, मिया का लगभग हो गया। समय समाप्त हो रहा है। रुको, अपना काम दिखाओ। अरे नहीं, मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं था और मैं यहाँ पूरी तरह से तैयार हूँ। शायद आपको ये पसंद आए। यह बस ऐसे ही है। चलो देखे कि दूसरों के पास क्या है। मैंने बहुत कोशिश की है। मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा किया। क्या समय हुआ है? ऐसा लगता है जैसे मैं ज्यादा सो गई थी। ओ, दिखाने का समय हो गया है। यह सही नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है। केट हार गई। अरे नहीं, गलती मेरी नहीं थी। मिया की वजह से मैं बेहोश थी। क्या मुझे इसे अभी खाना पड़ेगा? ओह, यह कितना घिनौना लग रहा है। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे अपने मुंह में डालूं। मैं कम से कम चाटने की कोशिश करती हूँ। ओह, कितना मीठा है। ये चॉकलेट पेस्ट है। मैं इसे सुबह से शाम तक खाने के लिए तैयार हूँ। स्वादिष्ट, लाजवाब। छी, तुम ये क्या कर रही हो? बस करो, हमें देखकर घिन आ रही है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कितना स्वादिष्ट है। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। छी, शायद तुम भी इसे खाना चाहती हो? नहीं। हेलो। और यह रही एक और प्यारी। वाह, कितनी सुंदर बिल्ली है। बहुत प्यारी। बैठ जाओ बेबी। जब तक लड़कियां अपना काम कर रही है, हमें इंतजार करना होगा। वैसे तुम लोगों को इस बार सीधे अपने चेहरे पर ड्रॉ करना है, तो फिर शुरू हो जाओ। यह प्यारी बिल्ली मेरी होगी। बस तुम देखना, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे लगता है कैट मेकअप मुझ पर बहुत सूट करेगा। यह सफेद पेंसिल तो बेकार था, इसके बदले में नीला इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। देखो कितना चमकीला है, बिल्कुल जैसा चाहिए। चलो अब आँख की ओर ध्यान देते हैं। वाह, तुम वास्तव में अच्छा कर रही हो। आशा करती हूँ कि ड्राइंग मुझ पर भी अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए रिलैक्स। मैं आईने में देखकर ड्रॉ करूंगी।
इससे कितना आसान हो गया। अब मुझे निश्चित रूप से कोई हरा नहीं पाएगा। वाह, मैंने लगभग अपनी ड्राइंग पूरी कर ली है। जेनिफर, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर वास्तव में मुझे यह प्रक्रिया पसंद है। और मुझे भी। क्यों पसंद नहीं होगा? तुम आईने में देखकर कर रही हो, यह सही नहीं है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देखो क्या हो रहा है, यह सही नहीं है। हाँ वो तो है, हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वह आगे से कोई नियम ना तोड़े। केट, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, माफ करना। नहीं, ऐसा मत करो। रुको मिया प्लीज, मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर मैंने कितनी मेहनत की थी। पर अब तुम आगे कभी नियम नहीं तोड़ोगी। ऐसा लग रहा है कि मिया अभिजीत को लेकर पहले से ही अस्वस्थ है। मुझे ये पसंद नहीं है। हे मिया, क्या मैं तुम्हारा ध्यान हटा सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ड्राइंग किसी वजह से उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब हम इसे ठीक करेंगे। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही थी? तो मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ना? हाँ बहुत बेहतर, बिल्कुल अलग। मैं देख रही हूँ कि सभी तैयार है। ये बढ़िया है, क्योंकि समय अभी समाप्त हुआ है। बेबी इधर मत देखो, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। और मेरा कैसा है? यह और भी बुरा है। क्या सच में? पर यह सब जेनिफर ने किया है। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जेनिफर जीत गई है। अच्छा तो उसके पास जाओ। हुर्रे, मैं जीत गई। मेरी प्यारी बिल्ली इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, सहलाऊंगी। ओह मुझे इतनी छींक क्यों आ रही है? लगता है जेनिफर को बिल्ली के फर से एलर्जी है। ये अच्छा ही है, हम ये प्यारी बिल्ली को ले सकते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जाओ थोड़ा आराम कर लो। वाह इतने सारे सॉस। तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हें किस से ड्रॉ करना है, और अब समय आ गया तुम्हें दिखाने के लिए कि क्या ड्रॉ करना है। ओ बड़ी कच्ची मछली, मुझे नहीं लगता कोई इसे पाना चाहता है। तुम सबको इसे ना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारे सामने सॉस है, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम अकेली नहीं हो मिया। यह क्या हो रहा है? जेनिफर यहाँ देखो, तुम मेरे चेहरे पर कचरा फेंक रही हो। ओ माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे होगा। ये बहुत बुरा है। आशा करती हूँ कि तुम में से कोई मुझे आगे परेशान नहीं करेगा। यह ड्राइंग करने का समय है। चलो देखिए कि यहाँ क्या है। हाँ केचप, बहुत अच्छा लग रहा है। यह पेपर पर अच्छे से लग रहा है, शायद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और मुझे तो पीला ज्यादा पसंद है, मैं इसके साथ शुरू करूँगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। वैसे इन्हें बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अफसोस सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे कोई और लेना होगा। यह मस्टर्ड एकदम सही रहेगा, थोड़ा अलग शेड है लेकिन मुझे यह पसंद है। और मैं बीच में केचप डालूंगी। बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, कोई यह नहीं कह सकता कि यह बुरा है। वाह मिया की ड्राइंग लगभग तैयार है। हाँ मेरा ज्यादा काम नहीं बचा है, बस फिनिशिंग टच। लगता है मैं पीछे हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। मैं जानती हूँ, मैं एक ही बार में सभी सॉस के साथ पेंट करूंगी, इससे मेरा समय बचेगा। लेकिन वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट करना होगा। बहुत स्वादिष्ट है, रुकना नामुमकिन है। मुझे और सॉस चाहिए, मुझे बहुत खाने का मन है। तुम क्या कर रही हो जेनिफर? अपने आप पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बस मेरा हो गया। अरे नहीं, सारे बचे हुए सॉस मेरी ड्राइंग के ठीक ऊपर गिर गए। यह बुरा हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। ओह मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। बस रुक जाओ। स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये अच्छी बात नहीं है। मिया की ड्राइंग बहुत सुंदर है, मैं पक्का हार जाऊंगी। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, माफ करना मेरी ड्राइंग पर सॉस गिर गया था। जबकि कोई देख नहीं रहा है, चित्रों को जल्दी से बदल लेना चाहिए। आओ देखें कि दूसरों के पास क्या है। ये मेरी मछली है, क्या यह वाकई खूबसूरत है? अब इसके बारे में क्या कहूँ। आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी? ये एक सादा कागज है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे धोखा दिया गया है।
जेनिफर ने चित्रों को अदला बदली की है। अब यह साबित नहीं हो सकता तो तुम्हें मछली खानी पड़ेगी। मिया अपने खाने का मजा लो। मुझे ये गंध पसंद नहीं है, भयानक बदबू आ रही है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यह खाना पड़ेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। क्या होगा अगर इस मछली को पकाते हैं? मुझे लगता है कि तब और भी स्वादिष्ट होगा। यह पता चला कि बर्नर को संभालना इतना आसान नहीं है। माफ करना जेनिफर, यह गलती से हो गया, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें वह मिला जिसकी तुम हकदार थी। अब बातें बहुत हो गई, चलो मेरी मछली को ठीक से पकाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे ना नहीं कहूंगी। अरे वाह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। अब देर हो गई है, तुमने इस मछली को मुझ तक पहुँचाने के लिए काफी प्रयास किया। कितना मुलायम।